सिग्नेचर ब्रिज पर संग्राम जारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज कराया केस, गाली देने और धमकी देने का लगाया आरोप। पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे रखने के आरोप में 26 लोगों को किया गिरफ्तार। 3500 किलो पटाखे किए जब्त। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का दिया है आदेश। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की प्रक्रिया होगी आसान। डीएमआरसी निजी एजेंसी के साथ मिलकर जारी करेगा नया स्मार्ट कार्ड। बैंक से जुड़े होने पर खुद रिचार्ज हो जाएगा कार्ड। दिल्ली के लिए दिल्ली दमकल सेवा ने कसी कमर। सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द। आग लगने से संबंधित घटनाओं से बचाव के लिए उठाया कदम। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के खिलाफ पर्यावरण भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर की राजधानी के लोगों को बचाने की मांग। अशोकनगर में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंग रेप, जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले 4 चोर गिरफ्तार। 51 लग्जरी गाड़ियां हुई बरामद। जेपी रिजॉर्ट के किचन में कुक का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नंदग्राम इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। इंद्रापुरम पुलिस ने 40 नेपाली युवतियों को छुड़वाया। लड़कियों को बंधक बनाने वाला एक युवक गिरफ्तार। पुलिस युवक से कर रही है पूछताछ। राम मंदिर मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान। राम मंदिर पर पीएम और योगी फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार। लखनऊ में बने इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम का बदला गया नाम। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा स्टेडियम। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। किशोरी को अगवा कर गैंगरेप के मामले में सपा ब्लॉक प्रमुख समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस ने 5 दुकानों पर मारा छापा। 50 लाख रुपए की विस्फोटक सामग्री हुई बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिवाली पर उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जवानों संग मनाएंगे दिवाली। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। भारत चीन सीमा पर पहुंचे आर्मी चीफ बिपिन रावत। सेना के जवानों से मुलाकात कर दी दिवाली की बधाई। सारण में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। झड़प में 18 लोग घायल। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस को मिली कामयाबी। हाजीपुर महनार सड़क पर पुलिस ने बरामद की 788 कार्टन विदेशी शराब। तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार। झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय। सेविकाओं का मानदेय 5,900 और सहायिकाओं का 2,950 रुपए प्रतिमाह किया गया। बिरसा मुंडा जेल परिसर में लगेगी बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा। शहीदों की भी लगाई जाएगी 9 फीट की प्रतिमा। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में पुलिस और निर्वाचन टीमों ने बरामद की 6 करोड़ रुपए की नकदी। वाहनों को भी किया जब्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नारायणपुर जिले में 62 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जवानों को दिए हथियार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी उम्मीदवारों की लिस्ट। राजनीतिक पार्टियों की मीडिया से अपील, फर्जी लिस्ट को ना चलाए मीडिया।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। पार्टी ने 13 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। 230 सीटों पर अब तक 184 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। मध्य प्रदेश में चेकिंग के दौरान 11 किलो चांदी बरामद। पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी। इंदौर में महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने की छेड़छाड़। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जैसलमेर में जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने स्वीप कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में दीप जलाकर लोगों को मतदान करने के लिए किया जागरूक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का बीजेपी पर वार। बोले, बीजेपी चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर मुद्दा उठा रही है, लेकिन पार्टी को नहीं मिलेगा इससे कोई लाभ। राम मंदिर को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं, यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। वर्धा के राधिकाबाई मेघे मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इंजेक्शन के रिएक्शन से एक छात्रा की मौत। मृतका के पिता ने डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। हरियाणा में दो फाड़ होगी इनेलो। दो हफ्ते के पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आते ही पार्टी से निकाले गए अपने दोनों बेटों के पक्ष में बोले अजय चौटाला, कुछ नहीं मांगेंगे, अब लड़ाई होगी। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में फतेहाबाद सबसे आगे। पराली जलाने के 1306 केस आए सामने। कैथल में पराली जलाने को लेकर 1190 केस दर्ज। अवैध पटाखा फैक्ट्री में पकड़े गए 11 चीनी नागरिक। जिला प्रशासन को नहीं थी चीनी मजदूरों के काम करने की जानकारी। त्योहारों को लेकर पंजाब में जारी हुआ हाई अलर्ट। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। चौकसी बरतने के दिए निर्देश। पंजाब वित्त विभाग के कर्मचारियों के खाते में पहुंचा डबल वेतन। सरकार ने तकनीकी गड़बड़ी को बताया कारण। कर्मचारियों को दूसरा वेतन ना निकालने की दी हिदायत। पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के आरोप में पुलिस ने दो कश्मीरी छात्रों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। 26 जनवरी को शुरू होगी शिमला में हेली एम्बुलेंस सर्विस। पीएम मोदी करेंगे हेली एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। लोगों को मिलेगी बेहतरीन सुविधा। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। बिजली सप्लाई ठप। अस्पतालों में भी बिजली गुम। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सेना ने मार गिराए दो आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीमा पार से आए पाक आतंकवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिकन आर्मी की कार्बाइन मैगजीन और 3 मोबाइल भी किए गए जब्त। कर्नाटक उपचुनाव में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की बड़ी जीत। बेल्लारी और जामखंडी में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। मांड्या लोकसभा और रामनगर में जेडीएस ने लहराया परचम। बीजेपी को मिली सिर्फ एक शिमोगा में जीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कर्नाटक उपचुनाव के नतीजों को बताया एक सबक। कहा, गठबंधन साबित हुआ फायदेमंद। राम मंदिर पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान, अयोध्या में चाहते हैं शांति। मंदिर और मस्जिद दोनों का होना चाहिए निर्माण। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य के लोगों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। रेडियो पर एक ऑडियो क्लिप के जरिए लोगों को दी बधाई। सूरत में बिक रहे हैं पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर वाले सोने के बिस्किट। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार अपना रहे हैं अनोखी तरकीब। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर दिवाली से लिया जाएगा टैक्स। एनएचआई ने टोल टैक्स वसूली को दी मंजूरी। सबरीमाला मंदिर की तरह बंगाल के काली पूजा पंडाल में भी महिलाओं को नहीं है प्रवेश की अनुमति। पिछले 34 वर्षों से कायम है परंपरा।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन लड़ सकते हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, अजहरुद्दीन के करीबी सूत्रों ने दी जानकारी। ईडी ने नीरव मोदी के फर्जी कंपनी के निदेशक दीपक कुलकर्णी को कोलकाता एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा मुंबई। इंडिगो के एक विमान का इंजन यात्रा के दौरान हुआ बंद, हवा में अटकी रही 47 यात्रियों की जान, सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया सुरक्षित। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।